नमस्कार दोस्तों, बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना स्नातक के लिए 50,000 रुपये की जो धनराशि मिलती है उसके लिए कॉलेज लिस्ट के साथ स्टूडेंट लिस्ट भी जारी कर दिया गया है, जिसमें आपको अपना स्टूडेंट लिस्ट चेक कर लेना है। आप जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से हैं उसको डाल के आप अपना स्टूडेंट लिस्ट चेक कर सकते हैं। जो भी छात्राएँ इसमें ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक पास कर चुके हैं वो छात्राएं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप हम इसको बताते थे। पहले ये धनराशि 25,000 रुपये मिलती थी, जिसको 2021 से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप चलिए बताते हैं कैसे हम अपना स्टूडेंट लिस्ट को चेक करेंगे। यहाँ पे गूगल में हमको सर्च करना है मेधा सॉफ्ट स्टूडेंट लिस्ट। देखिए यहाँ पे मैंने पहले सर्च किया था इसलिए ऊपर ही है। इसको सर्च करके यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने पर देखिए यहाँ पे दोस्तों आ रहा है मेधा सॉफ्ट .bah.nic.in। इस पर हमको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे हमको यूनिवर्सिटी नेम आ जाएगा। यहाँ पे हम कोई सा यूनिवर्सिटी नेम लेंगे, इसको क्लिक कर लेंगे। कॉलेज नेम यहाँ पे है, कॉलेज नेम जो आपका होगा वो आप इसमें डाल सकते हैं। कॉलेज टाइप आपका जो भी है इसमें दिया गया है, गवर्नमेंट कॉलेज, मिलिट्री कॉलेज जो भी है, यानी इसको ऑल भी छोड़ सकते हैं आप। इसमें एकेडमिक सेशन यानी आप कब से कब तक इसमें पढ़ाई किए हैं, जब से ये योजना चालू हुई है। इसमें 18 से 21 जो योजना है इसी का भी कॉलेज लिस्ट अपडेट किया गया है, जिसमें आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे। 17 और 22 भी दिया गया है, 2018 से 2022 भी दिया गया है, 2019 से 2022। तो इसको आपको 2018 से अभी ये सब का जो है 2017 से 21, 17 से 22 इस सब का जो डाटा अभी क्लियर नहीं किया गया, इसीलिए आपको 2018 से 21 डाल लेना है और इसको सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यूनिवर्सिटी नेम, कॉलेज नेम, स्टूडेंट नेम, ये सब सारे लिस्ट आपको आ जाएंगे। यहाँ नीचे स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं। जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे ये सारे लिस्ट आपको मिल जाएंगे। अगर आपको देखिए 1 2 3 जितने पेज है, अगर आपको इस पेज में आपका नाम नहीं है तो आप दूसरे पेज भी ले सकते हैं, तीसरे पेज भी ले सकते हैं, जितने भी पेज हैं ये सब आप ले सकते हैं। ऐसे करके आप अपना चेक कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसके लिए आप एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, इससे हमको बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है इस तरह के वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू दोस्तों।